वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों तक जानकारी पहुंचा सकूं। तबाही आई ऊपर से, ये कौन सी, ये 500 मिलेगा? हाँ ये 500। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। तो आज क्या है कि आज मैं जा रहा हूँ 5वां मील, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा तबाही आई थी, तो उसी को देखने के लिए हम पहुँचने वाले हैं आज 5वां मील, जो कि कोटद्वार को पहाड़ों से जोड़ता है, ये वो रास्ता है। तो उसी रास्ते पर हम जाने वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेगा आज 5वां मील, जहाँ पर तबाही का मंजर हुआ था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे। तो अभी हम निकल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सिद्धबली की तरफ, यहाँ से हमने ले लिया है, यहाँ से सीधा लेफ्ट, और हम निकल रहे हैं आगे धीरे धीरे। तो आज दिखाते हैं आप लोगों को कि वहाँ का क्या नज़ारा है और किस तरह से वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है आगे के लिए, कि ताकि नुकसान ना हो और यातायात सुचारू रूप से चल सके। तो अभी ये देख रहे होंगे आप लोग, ये है यहाँ पर पुल जो सिद्धबली से ठीक पहले पड़ता है। तो हम निकल रहे हैं आगे के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिद्धबली वाला मार्ग है, देख सकते हैं कितना रेता यहाँ पे आया है, पूरी की पूरी नदी चल रही थी इस रोड पे, जिस वजह से काफ़ी रेता यहाँ पे रोड पे इकट्ठा हो गया। तो ये भी उन्होंने साफ़ वगैरह कर दिया है, और काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे आगामी बरसात में, और जो पिछली बरसात हुई थी उसमें। और अभी मेन क्या है कि अभी बरसात पूरी तरह से पहुँची नहीं है, ये जो हाल हुए हैं कोटद्वार के, ये मात्र 3 से 4 घंटे की जो बारिश हुई थी उसमें ये हाल यहाँ पर हुए थे कोटद्वार के, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, शहर हो, गांव हो, कस्बे हो, लगभग सभी जगह घरों में पानी घुस गया था, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, पहाड़ के पहाड़ दरक गए थे। और इसमें जो अभी जहां हम जा रहे हैं ना 5वां मील, वहां पर तो एक गाड़ी भी दफन हो गई थी, जिसमें 2-3 लोग घायल हो गए थे गंभीर रूप से, और एक लापता हो गया था जो पता नहीं मिला या नहीं मिला। तो ये हमने यहाँ पर क्रॉस कर लिया सिद्धबली, और अभी हम निकल रहे हैं आगे के लिए। तो बस थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं उस घटना स्थल पर, जहाँ पर वो घटना हुई थी, वहाँ पर क्या वहाँ पे कंडीशन है, क्या वहाँ पे का नज़ारा है, वो तो वहीं पे जाके पता करेंगे, वहीं पे जाके देखने को मिलेगा आप लोगों को कि क्या हाल है। अभी तक तो रास्ता काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आगे 2 या 3 जगह पर काफ़ी डेंजर वाला सिचुएशन है, जहाँ पर बहुत ही दिक्कत है। तो बरसात में तो वहाँ पर ट्रैवल ना ही करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटक भी निकल चुके हैं, घूम रहे हैं अभी, क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, जिस वजह से कि सारी बरसाती मेंढक यहाँ पे निकल गए हैं हमारे साथ साथ। तो ये देख सकते हैं, ये हमने पाल कर लिया है यहाँ पर एक पुल, लाल पुल बोलते हैं इसको, जो सिद्धबली के थोड़ा सा आगे जाकर है, और यहाँ पर से शुरू होता है वन्य जीव विहार, यहाँ पर हाथियों का भी खतरा रहता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर काम यहाँ पर चल रहा है, जो काम बरसात से पहले होना चाहिए था वो काम बरसात में हो रहा है, ये काफ़ी दुखद बात है हम लोगों के लिए। हमें तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, कि ताकि बाद में हमें कोई दिक्कतें ना करनी पड़े, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये सारी चीज़ें पहले से होनी चाहिए यार, तुम पहले से करो ना ये सारी चीज़ें, ताकि इतनी दिक्कत ना आए या फिर कोई घटना ना हो। तो ये देख सकते हैं आप लोग दुगड्डा मार्ग, यहीं से बद्रीनाथ, केदारनाथ सभी जगह के लिए रास्ता जाता है, और कोटद्वार जैसे कि नाम से ही जानते हैं, गढ़वाल के द्वार के नाम से जाना जाता है, यहीं से पहाड़ों का रास्ता शुरू होता है, एक अपना ऋषिकेश से और एक अपना कोटद्वार से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है नहीं, काफ़ी ठीक रास्ता है। तो बस थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं 5वां मील पे, फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कि क्या कंडीशन है, किस तरह के वहाँ पे हालात हैं और क्या वहाँ पे सिचुएशन है। बाकी मौसम काफ़ी सुहाना है, बहुत ही मज़ेदार हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो हवा ठंडी ठंडी चल रही है, लेकिन उमस काफ़ी है, क्योंकि बारिश के बाद तो यार उमस तो होती है ना, तो वो उमस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं 5वां मील, उस घटना स्थल पे, जहां पे कि काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर 5वां मील, जहां पर कि कितना नुकसान हो, ऊपर देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा पहाड़ उखड़ के नीचे आ गया था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, 2 से 3 बताए जा रहे थे। ये देख सकते हैं अभी भी जो चट्टाने हैं वो एकदम सही नहीं है, एक और बारिश पड़ेगी ये नीचे आएगा। और यहाँ पर लोग, यहाँ पर काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है स्पेशली, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये ईंटें लगाई जा रही है रोड पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं ईंटें लगाने का, क्योंकि ऊपर से फिर मलबा पड़ेगा, वो फिर ऊपर से पूरा का पूरा बुरे हाल होंगे। ये देखिए कार्य प्रगति पर है, रास्ता खुल गया है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग ट्रैवल करें। ये देख सकते हैं आप क्या ही हाल है यहाँ पर 5वां मील। तो यार पहुंच चुके हैं हम उस जगह पर जहां पर दुगड्डा जो 5वीं मील पे रास्ता टूटा था, तो आ गया हूं वहां पर। अभी फ़िलहाल के लिए गाड़ियां लगातार चलने लगी हैं, काफ़ी हद तक इन्होंने सही कर दिया है।
देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा अभी वीडियो में पहले कि कितना ज़्यादा यहाँ पर बुरी हालात हो रही है। ये देखिए आप, इधर से पूरा ऊपर से पूरी की पूरी चट्टान उखड़ के नीचे आ गई थी। अभी कार्य प्रगति पर है, चल रहा है काम, लेकिन मुझे पहाड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी दोबारा बारिश होगी तो ये रास्ता दोबारा बंद होगा, गारंटेड की है, बिल्कुल गारंटी वाली बात है। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा यहाँ पर भयानक हो रखा है। अभी ये क्या कर रहे हैं, इंटरलॉकिंग वाले रास्ते से यहाँ पर रास्ता बना रहे हैं ताकि गाड़ियाँ सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। यही है वो रास्ता, देख सकते हैं आप। थोड़ा और नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि व्यवधान ना हो। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से आया पूरा मलबा, यहाँ से पूरा पूरा नदी आई है बह के, और ये पूरा का पूरा रास्ता तोड़ के यहाँ से निकला है। और पूरा ये देख सकते हैं आप, पूरी नदी नीचे यहाँ तक जा चुकी है। ये देखिए कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। गाड़ियाँ बराबर चल रही हैं, लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि आप लोग बरसात में ट्रैवल ना करें, वही अच्छा है, क्योंकि इस रास्ते का भरोसा नहीं है। अभी आगे चट्टान बहुत ज़्यादा उभरी हुई है, गाड़ियाँ अभी बराबर चल रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काम चल रहा है। तो ये है पाँचवा मील दुगड्डा कोटद्वार, यहीं से सारा का सारा पहाड़ का रास्ता जुड़ता है, जिसकी वजह से दिक्कत हुई थी। वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों तक जानकारी पहुंचा सकूं। और अभी मैं घर से निकल गया था तकरीबन 1 बजे, अभी बज रहा है 2 बज चुका है, 1 घंटा लग गया था यहाँ पर आने में। बाकी अभी हम निकल रहे हैं, साथ में खाना बनाने का सामान भी ला रखा है, मैगी वगैरह बनाएंगे, देखते हैं कोई अच्छी सी जगह मिलती है तो वहाँ पर रुक के मैगी वगैरह खाएंगे और फिर घर को निकलेंगे। बाकी जगह आपने देख ही ली होगी किस तरह से यहाँ पर रास्ता, मतलब जो भूचाल आया था किस तरीके से आया था। और तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे, मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, तो अभी कोई बढ़िया सी जगह पे जाके रुकते हैं और फिर आप लोगों से बातें करते हैं। क्यों पांडे जी, हो रखा ना भयंकर भयंकर रास्ता, 2 बज गए। हाँ 2 बज गए हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, कहीं बढ़िया सी जगह पे जाके रुकते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।